हेलो स्टूडेंट, चयन सर्वे की आज क्लास में हम बात करेंगे ऑब्स्टिकल के बारे में, यानी चयन सर्वे के अंतर्गत आने वाली बाधाओं के बारे में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जब किसी फील्ड में हम चयन सर्वे करने जाते हैं, यानी जरीब सर्वेक्षण करने जाते हैं, तो हमें कौन कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है और ये बाधाएँ हमारी कितने प्रकार की हो सकती हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और समझने के लिए हम यहाँ पर डायग्रामों की मदद लेंगे और इस टॉपिक को हम अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि अगर हम इस टॉपिक के इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो ये कंपटीशन की दृष्टि से, यानी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमें कंपटीशन में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट, जिसमें हम बात करेंगे चयन सर्वे के अंतर्गत आने वाले ऑब्स्टिकल यानी बाधाओं के बारे में। अगर हम ये सोचें कि चयन सर्वे जब हम करते हैं तो उसमें हम करते क्या थे, तो जब हमने जितने भी हमने पिछले लेक्चर देखे हैं या अब तक हम ये सीख चुके हैं कि चयन सर्वे एक ऐसा सर्वेक्षण है जिसमें हम दो पॉइंट्स के बीच में हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का पता लगाते हैं। अब हम जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का पता लगाते हैं तो इसके अंदर हमारे दो प्रोसेस से हमें गुजरना होता है। सबसे पहला हमारा प्रोसेस होता है रेंजिंग। रेंजिंग का मतलब यहाँ पर ये होता है कि दो पॉइंट्स के बीच में सीध लगाना, यानी दोनों पॉइंट्स जिसके बीच में हम चयन सर्वे कर रहे हैं उनके वो दोनों कैसे होने चाहिए, एक सीध में होने चाहिए। इस प्रोसेस को हम क्या कहते थे, रेंजिंग कहते थे। तो पहली बाधा तो हमारी यहां से आ सकती है कि ऐसी कोई बाधा हमें फील्ड में देखने को मिल सकती है जो हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में सीध लगाने में उत्पन्न कर सके, सीध लगाने में हमें बाधा उत्पन्न कर सके। दूसरी अगर हम बात करें कि जब हम चयन सर्वे करते हैं तो रेंजिंग करने के बाद फिर हमारा दूसरा प्रोसेस क्या होता है, दूसरा प्रोसेस होता है हमारा चयनिंग। अब चयनिंग का मतलब होता है जरीब से, जरीब के द्वारा उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को मेजर करना। तो अब चयन सर्वे में ओवरऑल हम दो चीज कर रहे हैं, एक तो हम कर रहे हैं रेंजिंग यानी दो पॉइंट्स के बीच में हम सीध लगा रहे हैं, और दूसरा हम कर रहे हैं यहां पर चयनिंग, यानी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है वो हम मेजर कर रहे हैं। तो बाधाएं हमारी इन्हीं के आधार पर, यानी इन्हीं से हमारी बाधाएं भी उत्पन्न होंगी कि कुछ बाधाएं ऐसी हो सकती हैं जब हम फील्ड में सर्वे कर रहे हैं जो हमारी रेंजिंग में बाधा उत्पन्न करें, यानी रेंजिंग ना करने दें। कुछ बाधाएं ऐसी हो सकती हैं जो हमारी क्या कर सकती हैं, जो हमारे इसके बीच की डिस्टेंस मेजर ना करने दें। और तीसरी प्रकार की हमारी बाधा हो सकती है, ना तो ऐसी बाधाएं जो ना तो हमें रेंजिंग करने दें ना वो हमारी चयनिंग करने दें। तो इस आधार पर अगर हम बात करना चाहें तो बाधाएं हमारे तीन प्रकार की हो गई। सबसे पहली आप देख पा रहे हैं, मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि ऑब्स्टिकल इन चयन सर्वे, यानी जरीब सर्वेक्षण के अंदर आने वाली बाधाएं। सबसे पहली हमारी बाधा है कि विजन ऑब्स्ट्रक्टेड, यानी आरेखन में बाधा। इस बात का मतलब यह है, आप अदर शब्दों में अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें, समझना चाहें, तो आप कह सकते हैं ऑब्स्टिकल टू रेंजिंग। इसका मतलब यह है, अगर हम इस टॉपिक को, इस बात को अगर हम अच्छी तरह समझ जाएं तो कोई भी क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, देखें किस तरीके से। यानी कि हमारे सामने जब हम चयन सर्वे किसी फील्ड में कर रहे हैं तो हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पर हम रेंजिंग नहीं कर सकते, यानी कि हम, यहां पर लिखा हुआ है विजन ऑब्स्ट्रक्टेड, यानी कि हमें दिखाई ना दे, यानी हमें दो जो रेंजिंग रॉड हैं, दो पॉइंट्स जिनके बीच जहां पर हमने रेंजिंग रॉड लगा रखी है, जहां पर हम चयन सर्वे कर रहे हैं, वो दो पॉइंट्स आपस में दिखाई नहीं दे रहे। तो वहां पर जब पॉइंट दिखाई देंगे ही नहीं तो हम वहां पर रेंजिंग कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए हमने बोला है कि ऑब्स्टिकल टू रेंजिंग, यानी ऐसी बाधाएं जो एक सीध लगाने में, यानी आरेखन करने में हमारी बाधा उत्पन्न करती हैं, यानी हमें मुश्किल पैदा करती हैं। तो पहली बाधा ये हो गई हमारी कि विजन ऑब्स्ट्रक्टेड, यानी जब हमें दिखाई दे ही नहीं रहा है तो हमारी आरेखन में बाधा कही जाएगी। अब यहीं पर अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, कि ऐसे कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं जो हमें इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट करें, तो आप यहाँ पर एक डायग्राम देख पा रहे हैं। इस डायग्राम में हम चयन सर्वे करते हुए आ रहे थे, यहाँ पर एक हमारी रेंजिंग रॉड यहाँ गड़ी हुई है जबकि दूसरी रेंजिंग रॉड यहाँ गड़ी हुई है। अब यहाँ पर हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में हमें क्या करना है, चयन सर्वे करना है। अब जब चयन सर्वे करेंगे तो यहाँ पर बीच में आपने देखा है क्या आ गया, एक हमारा हिली एरिया आ गया, कोई एक रेज ग्राउंड, कोई उठा हुआ एक ऊंचा कोई टीला अगर आ जाता है तो उस केस में आप क्या कर पाएंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों रॉड को आपस में इस टीले की वजह से, ये टीला हमारा क्या एक बाधा है, इसकी वजह से नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ हम ये कहेंगे कि जो हमारा हिल है वो हमारा किसके लिए बाधा बना, ऑब्स्टिकल टू रेंजिंग, यानी रेंजिंग नहीं करने देगा ये, क्योंकि हमें आपस में दोनों पॉइंट दिखाई नहीं देंगे। तो इसी टाइप की प्रॉब्लम को अब आपसे कंपटीशन में क्या पूछता है, कंपटीशन पूछता है कि बताइए हिल हमारी किस प्रकार की बाधा है। तो हम यहां पर कहेंगे ऑब्स्टिकल टू रेंजिंग बट नॉट इन चेनिंग। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, मैंने दो बातें क्यों बोली, मैं यहां पर पहले लिख देता हूं। पहला पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि जब चेन लाइन पर कोई ऊंचा टीला आ जाए या रेज ग्राउंड आ जाए तब क्या होता है, तो यहां पर ये हमारा होता है ऑब्स्टिकल, ये हमारा क्या हुआ, ऑब्स्टिकल टू रेंजिंग, यानी रेंजिंग में तो बाधा है बट नॉट इन चेनिंग, यानी चेनिंग में बाधा नहीं है।
अब मैं चैनिंग में बाधा नहीं है वो क्यों बोल रहे हैं इसको देखेंगे। देखें अगर हम किसी भी तरीके से, जैसे कि हमने पिछले लेक्चरों में देखा कि हमने इनडायरेक्ट रेंजिंग जब की थी, रेसिप्रोकल जब हमने रेंजिंग की थी, तो हमने ये रेस ग्राउंड पर भी रेंजिंग की थी हमने, लेकिन हमने एक विधि अपनाई थी, एक अलग तरीका प्रोसेस था इसका करने का। तो हम किसी भी विधि से अगर रेंजिंग कर पाए तो क्या आप पहाड़ी पर चढ़कर पैमाइश नहीं कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, यानी कि चैनिंग तो हम कर सकते हैं आसानी से। तो ये कहेंगे इस मैम कि यहाँ पर ये क्या है, चैनिंग में बाधा नहीं है, यानी चैनिंग तो कर सकते हैं इसके ऊपर जाकर, लेकिन रेंजिंग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स को हम डायरेक्टली आपस में नहीं देख पा रहे हैं। जब पॉइंट्स नहीं दिखाई देंगे तो हम रेंजिंग नहीं कर पाएंगे। तो हमने ये आपको बताया कि जब भी आपसे पूछा जाए कि हिल यानी पहाड़ी या रेज ग्राउंड एक किस प्रकार की बाधा है, तो वहां पर आप बताएंगे ऑब्स्टिकल टू रेंजिंग बट नॉट इन चैनिंग, यानी ये आरेखन में तो बाधा है, रेंजिंग में तो बाधा है, लेकिन चैनिंग में नहीं है। अब बात करते हैं हम यहां पर दूसरी प्रॉब्लम की, यानी दूसरी बाधा की अगर हम बात करें तो दूसरी बाधा है चैनिंग ऑब्स्ट्रक्टेड, यानी कि ऐसी बाधा जो हमें चैनिंग ही ना करने दे। तो देखें जरा यहां पर हमने लिखा हुआ है ऑब्स्टिकल टू चैनिंग, यानी जरीब मापन में बाधा। अब ऐसी कौन सी हमारी सिचुएशन हो सकती है साइड पर, तो जब भी हम किसी फील्ड में चैन सर्वे करते हुए जा रहे हैं या किसी भी रास्ते पर हम चैन सर्वे करते जा रहे हैं, अगर रास्ते में जब चैन लाइन पर कोई झील या तालाब पड़ जाए तब आप क्या करेंगे? आप देख रहे हैं ये मैंने झील का एक मैंने क्रॉस सेक्शनल एलिवेशन बनाया हुआ है जिसमें डॉट डॉट साइन आपको एक पानी वाटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए पॉइंट पर हमने एक रेंजिंग रॉड लगा रखी है, बी पॉइंट पर हमने एक रेंजिंग रॉड लगा रखी है, और इसका टॉप व्यू यानी ऊपर से जब देखते हैं तो हमें कुछ इस टाइप का हमें दृश्य दिखाई देता है। अब आप देखिए जो सर्वेयर है, जो लीडर है, वो क्या कर रहा है, वो यहां से देख तो सकता ही है, यानी कि यहां से क्या करेगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में और आगे भी अगर हम रॉड लगा दें तो क्या कर सकता है, आगे भी अगर हम कंटिन्यू रॉड कर देंगे तो वो रेंजिंग तो कर सकता है क्योंकि हम आराम से देख तो पा ही रहे हैं ए पॉइंट को बी पॉइंट को, यानी जब दोनों पॉइंट्स आपस में दिखाई दे रहे हो, लेकिन हम उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जाकर चैन फैलाकर हम मेजरमेंट नहीं ले पाते हैं, तो उस सिचुएशन को कहते हैं ऑब्स्टिकल टू चैनिंग, यानी कि जरी मापन नहीं कर पा रहे हैं लेकिन रेंजिंग तो कर पा रहे हैं। तो ये वाली जो सिचुएशन है हमारी वो इसका एग्जाम्पल है, जब चैन लाइन पर कोई झील या तालाब यानी लेक या पोंड आ जाएगा तो उस केस में हम रेंजिंग तो कर सकते हैं बट चैनिंग नहीं कर सकते, यानी हम इसके अंदर जाके हम चैनिंग नहीं कर पाएंगे, जरीब हम नहीं फैला पाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, इसे आप क्या लिखेंगे ऑब्स्टिकल टू चैनिंग बट नॉट इन रेंजिंग, रेंजिंग में बाधा नहीं है लेकिन चैनिंग में बाधा है, क्या, झील। तो ये भी आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि झील हमारी किस प्रकार की बाधा है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं रिवर की अगर हम बात करें, जब भी आपको देख रहे हैं कोई आप यहाँ से सर्वे करते हुए आ रहे हैं और यहाँ पर हमारा किसी रिवर का फ्लो हो रहा है, तो रिवर में एक पॉइंट हमारा यहाँ पर ए है, दूसरा बी है, तो यहाँ पर आप देख तो सकते ही हैं रॉड को, और रॉड अगर आगे आप लगाएंगे तो यानी रेंजिंग तो कर सकते हैं पर चैनिंग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी हम सेम लिखेंगे कि ये हमारा क्या है, ऑब्स्टिकल टू चैनिंग, यानी चैनिंग में बाधा बनेगा बट नॉट इन रेंजिंग, यानी रेंजिंग में हमारा ये बाधा नहीं होगा, ठीक है, रेंजिंग तो कर सकते हैं। अब बात आती है हमारे तीसरी प्रकार की प्रॉब्लम की, यानी ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें ना तो हम रेंजिंग कर सकते हैं ना ही हम चैनिंग कर सकते हैं। इसका मतलब अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि आपको साइड पर जब आप सर्वे करते जा रहे हैं तो कोई ऐसी सिचुएशन आपको मिल गई है जहां पर ना तो आप दो पॉइंट्स को, यानी बीच में कोई एक ऐसी बाधा है जहां ना तो ये दोनों रॉड है, कोई एक पॉइंट ए है दूसरा पॉइंट ये, ना तो इनको आपस में देख पा रहे हो और ना ही इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, तो इसे हम कहेंगे ऑब्स्टिकल टू रेंजिंग एंड चैनिंग बोथ। तो यहां पर तीसरी टाइप की प्रॉब्लम है, विजन एंड चैनिंग बोथ ऑब्स्ट्रक्टेड, यानी ऐसी बाधाएं जो हमारी विजन में भी समस्या है, यानी कि देखने में भी समस्या है और पर चैनिंग में ही प्रॉब्लम है। इसको आप दूसरे शब्दों में इस तरीके से कह सकते हैं कि ऑब्स्टिकल टू चैनिंग एंड रेंजिंग, यानी कि हम ना तो वहां पर चैनिंग कर सकते हैं और ना ही वहां पर हम रेंजिंग कर सकते हैं, यानी वो आरेखन में भी बाधा है और पैमाइश में भी बाधा है, जरी मापन में भी बाधा है। तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहां पर आप देखें मैंने यहां पर एक बिल्डिंग का डायग्राम बनाया हुआ है, ये हमारी क्या है, एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर है। अब ये आपका बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, कैसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है, कितना भी लंबा चौड़ा किसी भी टाइप का हो सकता है। अब आप यहां से चैन सर्वे करते हुए आ रहे थे,
चैन सर्वे करते हुए जब हम आ रहे हैं, हमें इस पॉइंट तक पहुंचना था, इन दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है। अब बिल्डिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है, ना तो हम ए से बी को देख सकते हैं और ना ही हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो ये कहेंगे फिलहाल में एक नॉर्मल कंडीशन की अगर हम बात करें तो ये हमारी कैसी बाधा बन जाएगी, हम यहां पर कहेंगे कि ऑब्स्टिकल टू चेनिंग एंड रेंजिंग बोथ। यहां पर मैं क्या लिखूं, ऑब्स्टिकल टू चेनिंग रेंजिंग एंड चेनिंग बोथ, यानी दोनों में ही हमारी ये बाधा बन गई। अब आप देखें क्या हम बाधा आने के कारण हम इनके सॉल्यूशन नहीं करते हैं, क्या हम इनके बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर नहीं करते, करते हैं, टीले में भी करते हैं, रिवर के केस में भी करते हैं, पॉन्ड के केस में भी करते हैं, लेक के केस में भी करते हैं, बिल्डिंग के केस में भी करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ अलग प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, यानी अलग प्रोसेस अपनाना पड़ता है जो हमारे चैन सर्वे से कुछ अलग होगा। यानी चैन सर्वे में हम क्या करेंगे, कुछ अलग प्रक्रियाओं को जोड़ेंगे, कुछ हम गणित के नियमों का सहायता ले सकते हैं, ट्रायंगुलेशन के कुछ रूल्स हम सहायता लेते हैं, तब जाके इन समस्याओं को हम सॉल्व करते हैं, लेकिन चैनिंग और रेंजिंग दोनों ही करते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने बात की, ये जो टॉपिक मैंने आज को आपको बताए हैं इससे जुड़े हुए कंपटीशन में काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये लेक्चर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर आपको वाकई अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।